देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो हम कायल लोग हैं, हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया, बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ। और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र। कईयों चीज़ों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफ़ी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उसमें भी बातें हुई, उसमें भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है, आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए। क्योंकि 75 साल के आज़ादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज़ होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए, देश के युवा को, नौजवान को, देश का इको, देश का जो इको है, देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का, मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे के जी से यहाँ से निकल रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूँ, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में। मैं उनको पहला प्रथम मी तेलंगणा के मुख्यमंत्री राव साहेबांच आनंदाने स्वागत के लिए। अपने कल्पना है कि गेल का ही दिवसांपासन आम्मी भेटना 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 अशा चर्चा मरे मरे कि बारम्य ये हो तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजागर आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बाळासाहेब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते आणि ही भेट सुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलतं, नाही 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 नाही, सदिच्छा भेट होती आमची। भेट जसं संजयने पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गडूळ होत चाललेलं आहे, राज्यकारभार दूर राहिला पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे। हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाही आहे। सुडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नाही आहे, बदला लेने वाला। ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय। पहले तो मैं
माननीय पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तेलंगाना राज्य बनने के समय में 69 में जो एजिटेशन हुआ था, तब से लेके तेलंगाना राज्य बनने का मुद्दा सफल होने तक जिस प्रकार का समर्थन दिया, सपोर्ट किया, हम पूरे जिंदगी में नहीं भूल सकते। तेलंगाना जनता के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ, वो हमारा फर्ज बनता है। वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है, हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो इसके वजह भी इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। वो बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का, काफ़ी पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे, उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारे सहमति हो गई है, जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द, हमारा कई लोगों का जो भी हमारे साथ वेवलेंथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कांधे से कांधे मिलकर चलना चाहते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के काम को शुरू करेंगे। इतना आज तय हुआ है जो कि हमको सभी लोगों से बातचीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है, उसके बाद ही विस्तार रूप में हम देश के जनता के सामने एक एजेंडा पेश करेंगे। हमारा टाइम टेबल, हमारा कार्याचरण जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद।